क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेला गया मैच टीम इंडिया ने गंवा दिया। इस मैच के साथ ही नंबर वन टीम ने अपनी इज्जत पर भी पलीता लगा दिया। लेकिन इधर मैच के आखिरी दिन ऋषभ पंत की मैदान में ही बुरी बेइज्जती हो गई। कंगारू खिलाड़ी मार्कस हैरिस ने ऋषभ की बुरी बेइज्जती की और अब टीम तो मैच हार रही थी, ऐसे में ऋषभ जवाब देते भी तो किस मुंह से। लिहाजा ऋषभ पंत चुपचाप खड़े रहे और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की गंदी बातों को सुनते रहे। तो आखिर में हम आपको इसका पूरा वीडियो भी दिखाएंगे कि कैसे ऋषभ की बोलती बंद हुई। तो ऋषभ पंत जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर फील्डिंग के लिए मार्कस हैरिस आए। हैरिस ऋषभ के बिल्कुल करीब पहुंचे और हेलमेट पहनने लगे, मगर इस दौरान मार्कस हैरिस ऋषभ पंत से कुछ कहने लगे जो स्टंप माइक में कैद हो गया। मार्कस हैरिस ऋषभ से कहने लगे कि जल्दी आउट हो जाओ, फिर तुम डिस्को में चले जाना, पर्थ के डिस्को में आज काफी मजा आता है। वैसे तो ऋषभ पंत जवाब देने के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं, लेकिन हैरिस की बातों को सुनकर भी पंत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इसलिए क्योंकि टीम मैच हार रही थी और ऐसे मौके पर मुंह से जवाब देना उल्टा दाम हो सकता था। लिहाजा ऋषभ पंत चुपचाप सुनते रहे और कुछ देर बाद ऋषभ पंत आउट भी हो गए। अब आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर क्लिक करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।